नमस्कार, मैं विमल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर और इसी के साथ साथ 2022 की सबसे पहली वीडियो में। अगर आप लोगों ने 2021 में इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि 2022 में भी 2021 की तरह बहुत सारे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जहां पर आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। आखिर वो मौके कौन कौन से होंगे और कैसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो 2022 में, आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फिर हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर, और इसी के साथ साथ आप लोग YouTube पर मेरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो अभी कर लेना। 2021 में इन्वेस्टमेंट्स ना करने के बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि 2020 की तरह 2021 में भी कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, और इसी के साथ साथ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करना है और कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है और कितने का रिजर्व रखना है, और 2022 में ये सारी चीजें रिपीट होने के चांसेस काफी कम हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो 2022 में आपको एक्सप्लोर करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि 2022 में आप कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बताता हूं। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो कौन कौन से कंपनीज के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है फार्मा सेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सन फार्मा और लुपिन में। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना है इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। अगर मैं पिछले दो साल की बात करूँ तो पिछले दो साल में यानी 2020 और 2020 में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा डिमांड में थे, और इसी की वजह से फार्मा सेक्टर के शेयर्स ने इसके इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले दो सालों में। तो अगर इंडिया में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और इसी के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करेगी। और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर FMCG कंपनीज। FMCG कंपनी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये सारी कंपनी डेली रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो कैसी भी सिचुएशन हो, हम लोग खाना पीना छोड़ नहीं सकते हैं और इन नेसेसरी वाली चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मार्केट में कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आए, यहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है, और अगर इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। जी हाँ, बैंकिंग के शेयर्स में। पिछले दो सालों में कोरोना वायरस पैंडेमिक आने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ तो नोट कर ली है कि फार्मा और FMCG के साथ साथ बैंकिंग के सेक्टर का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बैंकिंग का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर हम लोगों को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ATM में जाते हैं, बैंक में जाते हैं या बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में बैंकिंग सेक्टर की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और तो अगर आपको बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा डीप रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं पिछले दो साल। अगर एग्जांपल के तौर पर बात की जाए तो ये यस बैंक और RBL बैंक हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपको इन बैंक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं खाली एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ऐसे भी शेयर्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न देते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उससे पहले आपको डीप रिसर्च करनी है और उसी के बाद में इन्वेस्टमेंट्स करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से कंपनीज को शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या कौन से बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपको फोर्थ सेक्टर के बारे में बता देता हूँ जहाँ पर आप आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर आती हैं IT सेक्टर की कंपनीज। अगर मार्केट में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस बढ़ते भी हैं तो यहाँ पर इस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी IT कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं और उनका काम घर से भी चल सकता है। तो मार्केट में सिचुएशन कैसे भी हो, इन कंपनीज के शेयर्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं पिछले दो या तीन साल की बात करूँ तो पिछले दो से तीन साल में IT सेक्टर की कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो TCS, विप्रो और इन्फोसिस में। अगला सेक्टर जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सेक्टर। अगर रिसेंट डेज की बात की जाए तो रिसेंट डेज में पेट्रोल, CNG और इसी के साथ साथ डीजल की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इन बढ़ती प्राइसेस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के शेयर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो सकती है, डबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सोलर पावर के शेयर में और इसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर्स में।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल और इसके साथ साथ सीएनजी की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और मार्केट में अगर इन चीजों की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसी के साथ साथ इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी पर भी, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है और आखिर इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में करना क्यों है, इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी के साथ साथ आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। होप करता हूँ कि इक्विटी शेयर्स में आपको कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है इसके बारे में पता चल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको इन ऑप्शन के बारे में जानना है तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको उन कंपनीज के बारे में पता चलेगा जिनके साथ हम लोगों ने टाई अप किया है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और तो अगर आप 2022 में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए कि सबसे पहले आपकी जो इनकम है उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कितना मुझे इन्वेस्टमेंट्स करना है, और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद जितना भी पैसा आपके पास बचता है उसमें से आपको यूज करना है आपकी डेली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए और आपके डिजायर को फुलफिल करने के लिए। अगर आप इस रूल को एक साल तक फॉलो करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट काफी ज्यादा होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने के रूल्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने के ऑप्शन हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे को बचा सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको किसी भी तरीके की रिसर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो आपको इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए गाइड करेगी। और अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी के साथ साथ मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में।